तो जी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, नवरात्रि स्टार्ट होने जा रहा है, और इस नवरात्रि में यानी कि 9 रातें जिसमें काफ़ी सारे लोग व्रत रखते हैं, फास्ट रहते हैं, और इन फास्ट के समय अगर खाने की बात होती है तो खाने के लिए सबसे पहले एक ही चीज़ दिमाग में आता है और वो है अवर ऑल टाइम फेवरेट साबूदाना। जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है नितेश किचन विद मी नितेश। और आज जो हम बनाएंगे उसका नाम है साबूदाना वड़ा। सो लेट्स सी हाउ टू मेक अ साबूदाना वड़ा, लेट्स बिगिन। हमें यहाँ पे सबसे पहले लेना है साबूदाना। यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना को 2 से 3 घंटे के लिए भिगा लिया था, एंड आफ्टर सोकिंग इट विल बी अराउंड 1.5 कप। अब हम डालेंगे इसमें उबले हुए आलू, अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ धनिया, मीठा नीम पत्ती, अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, अब इसमें जाएगा पीनट्स। यहाँ पे मैंने पीनट्स को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद हमारे पीनट्स को हम इसमें डाल लेंगे। अब इसमें जाएगा किसा हुआ अदरक, जीरा पाउडर और नींबू का रस। नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पे मैंने रॉक सॉल्ट लिया है, सेंधा नमक। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। वंस इट डन, हल्का सा हाथ में ऑयल लगा के इसे वड़ी के शेप में बना लेंगे। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम में, गोल्डन ब्राउन होते तक। वंस इट डन, इसे हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर में टू एब्जॉर्ब एक्सेस ऑयल। अब हमें यहाँ पे दही को फेंट लेना है शक्कर डाल के, साबूदाना वड़ा के साथ सर्व करने के लिए।